किसी से ज्यादा उम्मीद मत करना, क्योंकि जितना ज्यादा लगाव होता है उतना गहरा घाव होता है। शीशा और रिश्ता दोनों नाजुक होते हैं, पर दोनों में अंतर सिर्फ यही है कि शीशा गलती से टूट जाता है और रिश्ता गलत फहमी से। जहां गलती ना हो वहां झुको मत, और जहां इज्जत ना हो वहां रुको मत। अकेले चलना सीख लो, क्योंकि सहारा कितना भी सच्चा हो एक न एक दिन अवतार दिखा ही देता है। जीवन में आधे दुख तो गलत लोगों के उम्मीद रखने पर ही होते हैं, इसलिए उम्मीद केवल खुद से करें। अंधेरे में तो अपनी परछाई भी साथ छोड़ देती है, तो ऐसे में पराए लोग साथ क्या देंगे। इंतजार करने वाले को उतना ही मिलता है जितना कि कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। जब आप खुद को तलाशते हैं तब दुनिया आपको तलाशती है। जीने का बस एक अंदाज रखो, जो तुम्हें ना समझे उसे नजर अंदाज रखो। किसी ने सच ही कहा है कि वह इंसान आपका मूल कभी नहीं समझ पाएगा जिसके लिए आप हमेशा हाजिर रहते हो। अकेले ही लड़नी पड़ती है अपनी दर्द भरी जिंदगी। यहाँ गाने तो सब सुना देते हैं, पर सच्चा सहारा कोई नहीं बनता। जो आपका गुस्सा सहन करके आपका साथ दें, उससे ज्यादा प्यार आपको कोई नहीं कर सकता। कुछ ऐसे काम करो कि आपके माता पिता अपनी प्रार्थना में कहें कि हमें हर जन्म में ऐसे ही संतान देना, कभी भी किसी का दिल ना दुखाना। क्योंकि एक ऐसा ही दिल आपके पास भी है। जिस दिन आप यह परवाह करना छोड़ देंगे लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, समझो उस दिन से आपकी जिंदगी मजा लेना शुरू कर गई। जिंदा रखिए, आज हंसने वालों को कल तालियां भी बजाएंगे। कौन किसका, कौन कब किसका और कितना अपना है, यह सिर्फ वक्त बताता है। जो बदलता है वह आगे बढ़ता है। जो लोग दूसरों के चेहरे पर मुस्कुराहट देखना चाहते हैं, ऊपर वाला उनकी मुस्कुराहट कभी नहीं छीनता। अगर कोई आपके उम्मीद करता है तो यह उसकी मजबूरी नहीं है, आपसे लगाव और विश्वास है। किसी घर में एक साथ रहना परिवार नहीं कहलाता, बल्कि एक दूसरे को समझना और एक दूसरे की परवाह करना परिवार कहलाता है। निभाने वाले रास्ते ढूंढते हैं और छोड़ने वाले बहाने ढूंढते हैं। किसी की इतनी परवाह मत करो कि वह लापरवाह हो जाए। किसी को देने के लिए सबसे अच्छा तोहफा यह है उसकी भावनाओं को समझना और उसे सम्मान देना। जब जब आपके पास से खास लोग दूर होने लगे तो समझ लेना उनकी जरूरतें पूरी हो चुकी हैं। इंसान के शरीर का सबसे खूबसूरत हिस्सा होता है दिल। अगर वही साफ ना हो तो चमकता चेहरा किस काम का। जिंदगी में इतना सबक सिखा ही दिया है कि अपनों पर भरोसा भी सोच समझ कर करो। यह सच है कि जब इंसान की जरूरत पूरी हो जाती है तो उसका बात करने का तरीका भी बदल जाता है। भगवान से जब भी मांगो तो भगवान को ही मांग लो, क्योंकि जब भगवान तुम्हारे पास होंगे तो सब तुम्हारा होगा। हम किसी शक्ति से तब तक लड़ते हैं जब तक हम उससे प्यार की उम्मीद करते हैं। जिस दिन वह उम्मीद खत्म हो जाती है लड़ना भी खत्म हो जाता है। बात बहुत छोटी सी है पर सत्य है कि रिश्ते सबसे रखो पर उम्मीद किसी से नहीं। अक्सर झूठे इंसान की बातों में मीठी होती है और सच्चे इंसान की बातें कड़वी होती है। बात संस्कार और आदत की होती है, वरना जो सुन सकता है वह सुनाने की क्षमता भी रखता है। रिश्ते कभी खुद नहीं टूटते, गलत फहमी और घमंड उन्हें तोड़ देता है। हमारी उदासी हर कोई नहीं समझ सकता, क्योंकि हम किसी से मिलते हैं तो पहले ही मुस्कुरा देते हैं। ना तो इतने कड़वे बनो और ना ही इतने मीठे बनो कि कोई थूक दे या कोई निगल जाए। कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं,
फर्क तो उससे पड़ता है कि आप अपने बारे में क्या सोचते हैं। हार एक सबक है जो खुद को सुधारने का मौका देती है। जिंदगी में जो भी हम चाहते हैं वह आसानी से नहीं मिलता, लेकिन जिंदगी का एक सत्य यह भी है कि जो हम चाहते हैं वह आसान नहीं होता। दो तरह के लोग होते हैं इस दुनिया में। पहले जो छोटी सी मुसीबत आने के बाद डर जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, और दूसरे वह लोग हैं जिनकी जिंदगी में कितनी भी मुसीबतें आ जाए लेकिन वह हमेशा खुश रहते हैं, हर मुसीबत में खुद को संभाल लेते हैं। एक वह होते हैं जिनके पास सब कुछ होता है फिर भी हमेशा दुखी होते हैं, और दूसरे को जिनके पास सब, जिनके पास चाहे कुछ भी ना हो लेकिन फिर भी वह हमेशा खुश रहते हैं। संकट के समय धैर्य रखना मानो आधी लड़ाई जीत लेना। तनाव से केवल समस्याएं जन्म ले सकती हैं। अगर समाधान खोजना है तो मुस्कुराना ही पड़ेगा। खुद को इतना काबिल बनाओ कि जिसके लिए आप करते हो वह आपकी एक झलक देखने के लिए तरस जाए। पता नहीं क्यों लोग रिश्ता छोड़ देते हैं मगर जिद नहीं छोड़ते। सबसे ज्यादा गरीब तो वह है जिनकी खुशियां भी दूसरों के मर्जी पर निर्भर होती है। जिंदगी में जितना शांत रहोगे अपने आप को हमेशा उतना ही मजबूत पाओगे, क्योंकि लोहा ठंडा होने पर ही मजबूत होता है। दुख में भगवान को याद करने का हक उसी को है जो सुख में उससे सबसे ज्यादा शुक्रिया अदा करता है। जो आपके साथ दिल से बात करता हो उनको कभी दिमाग से जवाब मत देना। चाहे लड़ो चाहे झगड़ो लेकिन अपने परिवार से अलग होने की बात कभी मत सोचना, क्योंकि उन पत्तों की कोई कदर नहीं होती जो डाल से टूट कर गिर जाते हैं। इंसान हमेशा तकलीफ में कुछ सीखता है, खुशी में तो वह पिछले सबक को भूल जाता है। बच्चा क्या खाएगा, क्या पिएगा, क्या पहनेगा, इसका ध्यान बच्चा नहीं उसकी माँ रखती है। हमें क्या देना है और क्या नहीं देना इसका ध्यान स्वयं भगवान रखते हैं। दिल से सच्चे लोग भले ही अकेले रह जाए लेकिन उनका साथ भगवान हमेशा देता है। घाव उतना बड़ा नहीं होता जितना अपमान का होता है झगड़ा। कर लो कुछ भी कर लो मगर किसी की बेइज्जत मत करो। जिसे अकेले में रोकर चुप होना आता है और अपना दर्द छुपाना आता है वह इंसान आज दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान है। खुद को कभी भी किसी हालत में बिखरने मत देना। लोग गिरे हुए मकान की ईंट तक उठा ले जाते हैं। प्रेम एक महंगा उपहार है, इसकी उम्मीद सस्ते लोगों से ना करना। हवा की तरह रोती है मुसीबतें, किसी भी खिड़कियां बंद कर लो अंदर आ ही जाती। बड़प्पन हुआ गुण है जो बल से नहीं संस्कारों से प्राप्त होता है। खोए हुए हम खुद हैं और ढूंढते भगवान को हैं। धैर्य रखने वाला इंसान अपनी इच्छा अनुसार कुछ प्राप्त कर सकता है। ताकत की जरूरत तभी होती है जब कुछ बुरा करना हो, वरना दुनिया में सब कुछ पाने के लिए प्रेम ही काफी है। भगवत गीता में कहा गया है जितनी जल्दी आप अपने जीवन में जिम्मेदारी लेंगे उतनी ही जल्दी आप सफल होंगे। इंसान को इंसान की नजर से तौलिए, दो शब्द ही सही मगर प्यार से बोलिए। दूसरे को समझना बेशक बुद्धिमानी हो सकती है लेकिन खुद को समझना ही जिंदगी का असली ज्ञान है। जब भगवान मनुष्य की परीक्षा लेते हैं तब वह मनुष्य का सामर्थ्य भी बढ़ा देते हैं ताकि वह अधिक बुद्धिमान हो और ताकतवर बने। जब इंसान का अच्छा वक्त आता है तो वह भूलने वाली चीजों में सबसे पहले अपनी औकात भूलता। भरोसा भगवान पर रखिए, लोगों पर नहीं, क्योंकि धोखा लोग देते हैं भगवान नहीं। समस्या देखकर जीवन में कभी हार मत मानो। क्या पता किसी समस्या के अंदर ही तुम्हारी एक बड़ी शुरुआत छुपी हो।
अगर कष्ट बड़ा है तो कामयाबी भी बड़ी ही मिलेगी। यदि आपने अपने समय की कीमत नहीं समझोगे तो लोग भी आपकी कीमत नहीं समझेंगे। यह 7 बातें भूलकर भी किसी को मत बताना। पहली खुद के राज, दूसरी दूसरों के राज, तीसरी आपके घर की समस्या, चौथी आपके रिश्ते, पांचवी आपकी डर और आपकी कमजोरियां, छठी अपने सपने, आपके लक्ष्य हैं। जिस इंसान की सोच बड़ी होती है उसी की जिंदगी में परेशानियां खड़ी होती हैं। मनुष्य के पास सबसे बड़ी पूंजी उसके अच्छे विचार हैं, क्योंकि धन और बल किसी को भी गलत राह पर ले जा सकते हैं, किंतु अच्छे विचार सदैव अच्छे कार्यों के लिए ही प्रेरित करते हैं। किस्मत धोखा नहीं देती, धोखा तो वह लोग देते हैं जिन पर हम खुद से ज्यादा यकीन करते हैं, और फिर भी वही लोग हमें बदल कर खुद बदल जाते हैं। स्वार्थ से रिश्ते बनाने की कितनी भी कोशिश करें वह कभी नहीं बनते, और प्रेम से बने रिश्तों को कितना भी तोड़ने की कोशिश करें वह कभी नहीं टूटती। वह आदमी वास्तव में बुद्धिमान है जो क्रोध में भी गलत बात मुंह से नहीं निकालता। विचारों में रखें वह तुम्हारे शब्द बनेंगे, शब्दों में शब्दों को बस में रखिए वह तुम्हारे कर्म बनेंगे, कर्म को बस में रखिए वह तुम्हारा आदत हो बनेगी, आदत को बस में रखिए वह तुम्हारा चरित्र बनेगा, चरित्र को बस में रखिए तुम्हारा भाग्य बनेगा। दिल और दिमाग में हमेशा दिल की सुनो। गलती उसी से होती है जो मेहनत से काम करता है। निकम्बा के जिंदगी में दूसरों की बुराई खोजने में ही खत्म हो जाती है। दोस्तों, यह वीडियो अच्छी लगी हो कृपया लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें सर। धन्यवाद।